और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी डील रही, ईदी मिल गई। बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं मुंबई मार्केट मसाला। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करें, मुझे अच्छा लगता है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, रेड कलर का जो बटन है उसे दबा लीजिएगा। ये मैं हमेशा कहना भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा इस बार कह दूं स्टार्टिंग में। ये बड़ा सा गिफ्ट आया है मेरे लिए, ईद का गिफ्ट है। ईद मुबारक आप सभी को। मैंने ईद में बहुत इंजॉय किया, आपने देखा होगा मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ थी, काफी डांट भी पड़ी थी क्योंकि रमजान के महीने में मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई तो मुझे काफी खाला मामा चाचा से डांट पड़ी थी कि इबादत करो और ये सब काम कम करो तो मैंने काफी सारे वीडियोज नहीं बनाए, मतलब शूट करना चाहती थी पर नहीं किया। तो ये है उसका बिल और बताती हूँ आपको ये क्या है। तो ये है मेरा नया ओवन ग्रिल ओटीजी। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने नया माइक्रोवेव लिया है, लेकिन मैंने सोचा यार माइक्रोवेव बहुत गलती से छोटा लिवा गया है तो मैं कुछ बड़ा ले लेती हूँ। तो मैंने ये 48 लीटर्स का ओवन लिया है ओटीजी, और ये क्रोमा का लिया है मैंने, 48 लीटर्स है। तो चलिए आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि इसे मैं नहीं निकाल सकती, तो मैंने जो लोग डिलीवरी करने आए थे ना उन्हीं को कहा कि भैया निकाल दीजिए और मेरे जो स्टैंड है उस पर लगा दीजिए। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा वरना बड़ा भारी सा है, बहुत मुश्किल होती है उसे उठाने में, तो डिलीवरी बॉय से करवा लीजिएगा। आइए बताती हूँ। 48 लीटर्स का ये ओटीजी है, काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। एक्सेसरीज मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले ऊपर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर सेट कर लें। फिर ये जो है ये देखिए, ग्रिल ऊपर वाला चाहिए नीचे वाला चाहिए, वो वाले फंक्शन है। उसके बाद ये रोटिसरी का है कि अगर आप रोटिसरी चाहते हैं या रोटिसरी नहीं चाहते हैं तो वो फंक्शन है यहाँ पर। और सबसे नीचे जो है वो टाइम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप एक घंटे के लिए ही इसे कुक कर सकते हैं। जब तक आप टाइम ऑन नहीं करेंगे तब तक ये लाइट स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर, फिर आपको ग्रिल ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, देखिए इस तरह से, ये दोनों मैं ऑन करके आपको बता रही हूँ, इस तरह से ऑन हो जाता है। आपने देखा ये 48 लीटर्स का बड़ा ओवन है ओटीजी। तो इसमें मेरे तकरीबन सारे जो मेरे पास केक बेकिंग के लिए टीन्स है वो आ जाएंगे। देखिए ये काफी बड़ा सा है, ये 12 इंच का है और इसकी हाइट भी ज्यादा है। तो इसमें मैं अगर डॉल केक बनाना चाहूं तो बहुत ही अच्छे से ये फिट हो जाएगा और काफी जगह रहेगी, ऊपर से नहीं जले। इसके साथ मिलती है इस तरह की एक जाली, इसे आप माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं और बाद में कूलिंग रैक की जरूरत नहीं है, इसे ही रख लीजिएगा। देखिए इस पर अच्छी तरह से, इस तरह से बना है तो आप इसे कूलिंग रैक की तरह भी यूज कर सकते हैं बाद में। ये होती है क्रम ट्रे, ये बिल्कुल नीचे माइक्रोवेव में डलती है, मैं आपको डाल के बता दूंगी एक मरतबा। इसके साथ आई है ये स्टूअर्ड्स, जिसमें हम बना सकते हैं सीख टिक्का। तो ये तकरीबन 6 आई है इसमें, तो ये इस तरह से 6 आई हुई है रोटिसरी के लिए। देखिए ये है और ये इस तरह से लगता है, मैं आपको रोटिसरी लगा के बता दूंगी इसके अंदर, बहुत ही इजी। और चिकन ऐसे 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 घूमेगा तो कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बनेगा। इसके साथ ये दो हुक्स भी हैं जिससे आप अपने चिकन को फिट कर सकते हैं। ये जो है ये चिमटा है पकड़, इससे आपने अपनी चिकन जो रोटिसरी में ये लगा हुआ है इसे इस तरह से निकालना है, हाथ नहीं जले आपका। और ये जो चिमटा है उससे आपको पकड़नी है ये वाली ट्रे। देखिए आप ट्रे कितनी बड़ी है इसकी, इसकी ट्रे इतनी बड़ी है कि मैं इसमें आराम से 20 एक कुकीज बना सकती हूँ, जल्दी ही बनाऊंगी तो उसका भी आप इंतजार करें। और देखिए ये इस तरह से गरम को हाथ ना लगाएं, इसे इस तरह से निकाल लें। अब मैं आपको ये सारा कुछ फिट करके बताती हूँ माइक्रोवेव में ओटीजी ओवन में। अच्छा मैनुअल बुक आती है इसके साथ में, तो इसे पढ़ लें, अच्छा रहता है, पढ़ लिया करें। इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है, तो हमारी राष्ट्रभाषा है तो उसने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ। तो ये था रिव्यू, बहुत अच्छे से गर्म हुआ माइक्रोवेव देखा आपने और मेरी सारी एक्सेसरीज इसमें फिट हो जा रही है। यस, मैं अगला वीडियो बनाने वाली हूँ कि मेरे पास क्या क्या एक्सेसरीज है केक बनाने के लिए, टूल्स और बहुत सारी चीजें हैं, जरूर मैं आपको बताऊंगी कलर्स प्रीमिक्स और क्या क्या किस किस कंपनी का है। तो ये एक्चुअली मुझे पड़ा है, इसकी कीमत है 12,000, लेकिन ये मुझे मिला है 6,779 रुपीस का। यस, बिकॉज ऑफर्स चलते रहते हैं क्रोमा का। आई डोंट नो आपके शहर में सिटी में है या नहीं इसका शोरूम, अगर है तो जरूर जाइए क्योंकि इससे बेस्ट डील
48 लीटर्स में मुझे ऑनलाइन या किसी शॉप पर नहीं मिली। एंड टाटा की कंपनी है अपनी, इंडियन कंपनी है यार, इंडियन कंपनी का खरीदो। और मेरा ससुराल भी है भाई टाटा नगर में, तो थोड़ा सा कनेक्शन तो बनता है। लेकिन इसके लिए उसने मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगली रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ इसी में, तब तक के लिए जाइए मजे कीजिए। ईद का मौसम चल रहा है, पूरा वीकेंड है, तो काफी सारी पार्टियां हो रही हैं। कल भी एक पार्टी है सैटरडे को, और संडे के दिन भी एक पार्टी है, तो यू ऑल आर इनवाइटेड। सारी फोटोग्राफ्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करने वाली हूँ, तो आप जरूर वहां मुझे फॉलो कीजिए। इट्स मुंबई मार्केट मसाला ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाय, मजा कीजिए, और इसमें बनाऊंगी और खूब खूब खाऊंगी। हाँ मैं खाऊंगी खाऊंगी, कुछ बनाऊंगी और बहुत सारा खाऊंगी। बाय।